अफगानिस्तान का नाम सुनते ही एक ही शब्द याद आता है, तालिबान। लेकिन आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा कि अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी सिर्फ पाकिस्तानी रुपी से ही नहीं, इंडियन रुपी से भी बेटर परफॉर्म कर रही है। The Afghani has beaten all other currencies. Its value shot up in the month of July and since then it has grown by 9%. आज एक डॉलर खरीदने के लिए 83 इंडियन रुपीज देने पड़ते हैं और कुछ 285 पाकिस्तानी रुपीज, लेकिन सिर्फ 77 अफगानी, क्योंकि यहाँ लिटरली पैसों की बारिश होती है। डॉलर्स में हार्ड कैश यहाँ प्लेन से पहुँचता है, लेकिन इसका फायदा आम इंसान को नहीं, तालिबान को होता है। क्या दूर से गरीब दिखने वाला अफगानिस्तान सीक्रेटली बहुत अमीर है? जैसे अफगानिस्तान क्रिकेट में एक अंडरडॉग है, वैसे ही उसकी इकोनॉमी भी अंडरडॉग है। क्या वहाँ की इकोनॉमी में कुछ हिडन जेम्स छुपे हुए हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये है इकोनॉमीज का वर्ल्ड कप, जहाँ हम दूसरे देशों से इम्पोर्टेंट लेसन सीखेंगे। इस सीरीज में आपको कोई भी फैक्ट अच्छी क्यों ना लगे, अल्टीमेटली जब क्रिकेट की बात आती है तो जीतेगा भारत ही। कमेंट्स में भारत ही जीतेगा स्पैम कर दीजिए फॉर गुड लक। अगर आपको हमारा क्रिकेट के साथ साथ इकोनॉमी को ज्वाइन करने का ये एफर्ट अच्छा लगा तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, द अंडरडॉग्स। पिछले 40 सालों से अफगानिस्तान युद्ध की चपेट में है। पहले सोवियत रशिया, फिर अमेरिका और अब तालिबान अफगानिस्तान को कंट्रोल करता है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनकी इकोनॉमी पर होता है। 2021 में अमेरिका ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को अफगानिस्तान से विथड्रॉ करने का डिसीजन। इट्स टाइम फॉर अमेरिकन ट्रूप्स टू कम होम। उन्हें लगा था कि अब वहां पर सिचुएशन स्टेबल है, वहां की सरकार लोगों को कंट्रोल कर सकती, लेकिन सच कुछ और था। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल को कैप्चर कर लिया और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान एस्टैब्लिश किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करते। सिर्फ 3 ही देशों ने उन्हें आज तक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है, चाइना, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। एज अ रिजल्ट बाकी के सारे देशों ने अफगानिस्तान से ट्रेड ऑलमोस्ट 100% रोक दी और वेस्टर्न देशों ने तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान पर सैंक्शंस लगा दिए ताकि उनके लिए दूसरे देशों से ट्रेड करना भी मुश्किल हो जाए। इसीलिए आज अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन चुका है। तालिबान कंट्रोल से पहले अफगानिस्तान के टोटल जीडीपी का 40% फॉरेन एड से आता था, लेकिन फिर ये कट ऑफ हो गया। रीजन यही था कि ये पैसा सीधा तालिबान के हाथों में ना जाए और तालिबान इसका इस्तेमाल टेररिज्म फैलाने के लिए ना करे। एशियन डेवलपमेंट बैंक मानता है कि 49% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। अफगानिस्तान का जीडीपी अराउंड $14 बिलियन है और यहाँ कुछ 4 करोड़ लोग रहते हैं। एक सिमिलर पॉपुलेशन भारत के केरला स्टेट में भी रहता है, लेकिन सिर्फ केरला स्टेट का जीडीपी अफगानिस्तान से 10 गुना यानी $145 बिलियन का। लेकिन हो सकता है कि अफगानिस्तान की रियल इकोनॉमी इससे बहुत ज्यादा बड़ी हो। ज्यादातर लोग एक इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और इस इनफॉर्मल सेक्टर की कोई रिपोर्टिंग होती नहीं। फॉर एग्जाम्पल, औरतों को एजुकेशन अलाउड नहीं है, उन्हें काम करना भी अलाउड नहीं है, कुछ गिने चुने काम ही है जो वो कर सकते हैं और इन सारे पैसों पर टैक्स चार्ज होता ही नहीं। मानो कि अफगानिस्तान की फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी भी चल रही है जिसकी साइज का हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। इस अंडरग्राउंड इकोनॉमी की पाकिस्तान और ईरान के साथ ट्रेड चलती रहती है। इतनी सारी एडवर्सिटी में भी अफगानिस्तान के अंडरडॉग्स लाइफ की लड़ाई जारी रख रहे हैं। चैप्टर 2, तालिबान पैसे कैसे कमाते हैं। अफगानिस्तान एक गरीब देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जिनके कंट्रोल में है वो भी गरीब है। इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल पूछा, क्या अफगानिस्तान सीक्रेटली रिच है? शॉर्ट आंसर इज येस एंड द लॉन्ग आंसर इज इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तालिबान की बात करते हैं। तालिबान दुनिया का रिचेस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो 4 प्रकार से पैसे कमाते हैं, फॉरेन डोनेशंस, ड्रग ट्रेड, कंट्रोलिंग ट्रेड रूट्स और माइंस एंड मिनरल्स। पहला सोर्स है फॉरेन डोनेशंस। CIA मानती है कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान तालिबान को डोनेशंस के रूप में फंड करते हैं। अमेरिका की एक क्लासिफाइड रिपोर्ट कहती है कि तालिबान ने गल्फ देशों से $106 मिलियन कमाए। इनमें सऊदी अरेबिया, UAE और कतर से आने वाले इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन शामिल है। एस्टिमेट्स कहते हैं कि टोटली फॉरेन डोनेशन से तालिबान $500 मिलियन हर साल कमाते हैं। दूसरा सोर्स है ड्रग ट्रेड। अफगानिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर, हर साल 1.5 बिलियन से लेकर 3 बिलियन का ओपियम अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करता है। तालिबान भी $400 मिलियन ड्रग ट्रेड से कमाता था
इसलिए क्योंकि हाल ही में उनकी पॉलिसी में चेंजेस आए हैं। अब पॉपी उगाना इलीगल हो चुका, यहाँ तक उनके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट्स जाकर खेत बर्बाद भी कर देते हैं। किसान छुपा छुपा कर पॉपी उगाते हैं। तीसरा सोर्स है कंट्रोलिंग ट्रेड रूट्स। ट्रांसपोर्टेशन अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा बिजनेस है। जो रूट्स तालिबान के कंट्रोल में है उनसे गुजरने पर ट्रेडर्स को टैक्स देना पड़ता। जब अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान में थे तो उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान शुरू की, जिसके अंडर 14,000 प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट हो रहे थे। इनमें सलमा डैम, अफगानिस्तान पार्लियामेंट बिल्डिंग, नेशनल म्यूजियम ऑफ अफगानिस्तान, काबुल एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। अमेरिका ने $141 बिलियन और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने साथ आकर $30 बिलियन इन प्रोजेक्ट्स में लगाए हैं। इनका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था ये रिंग रोड, जो कम्प्लीटली फेल हो गया क्योंकि जैसे ही अमेरिकन ट्रूप्स रोड बनाते तालिबानी आकर उसे कैप्चर कर लेते। ट्रेड रूट से गुजरने वाले सामान को जाने देने के लिए तालिबान पैसे लेते, जिनसे उन्होंने 2003 से लेकर 2021 तक करोड़ों डॉलर्स कमाए। आखिरी सोर्स है माइनिंग। अफगानिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री $1 बिलियन की, और यहाँ स्मॉल स्केल पर माइनिंग चलती है, यानी बड़े बड़े मशीनों के साथ नहीं, छोटे मैनुअल लेबर के साथ माइनिंग होती है, जिनमें से 25 से 30 माइंस तालिबानी लोग कंट्रोल करते हैं, और इससे होने वाला रेवेन्यू $10 मिलियन का था। रिमेम्बर, ये सारा डेटा 2021 के पहले का है, जब तालिबान की सरकार बनी नहीं थी। अब सारा का सारा पैसा तालिबान के कंट्रोल में है, तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं, क्या लीगल है और क्या इलीगल। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चैप्टर 3, हिडन जेम्स ऑफ अफगानिस्तान। 100 साल पहले अगर कोई कहता कि मिडल ईस्ट कुछ ऐसा दिखेगा तो ये किसी फैंटेसी मूवी का सीन ही लगता, लेकिन आज मिडल ईस्ट का डेजर्ट एक इकोनॉमिक ओएसिस बन चुका है, क्योंकि यहाँ ब्लैक गोल्ड मिला, यानी ऑयल। इसकी शुरुआत 1908 में ईरान से हुई, जिसके बाद मानो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हुई। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई जैसे देशों में ढेर सारा ऑयल पाया गया। ऑयल हमारे गाड़ियों का फ्यूल है। अगर आप गाड़ी नहीं भी चलाते फिर भी ऑयल से बने हुए प्रोडक्ट्स आपके आसपास होते हैं, जैसे प्लास्टिक के बॉटल्स, टायर्स, कैंडल्स, कॉस्मेटिक्स, इवन टूथपेस्ट जिनमें पेट्रोलियम के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। यानी आज की लाइफ ऑयल पर निर्भर है, और इसीलिए मिडिल ईस्ट की तरक्की हुई है। लेकिन अब ऑयल का जमाना पुराना हो चुका है, फ्यूचर है व्हाइट गोल्ड का, यानी लिथियम का। वही लिथियम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में यूज होता है। अफगानिस्तान को सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम कहते हैं, और यहाँ $1 ट्रिलियन के लिथियम रिजर्व्स हो सकते हैं। अगले 20 सालों में लिथियम की डिमांड आज से 40 गुना बढ़ने वाली है, और ये बात चाइना जानता है। शायद इसीलिए चाइना ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को रेकग्नाइज भी किया है। चाइना का फोकस लिथियम पर होने वाला है, और चाइना ऑलरेडी दुनिया के टोटल ईवी प्रोडक्शन मार्केट का 57% कैप्चर कर चुका है। गवर्नमेंट सपोर्ट, मार्केट कंडीशंस और लोकल सप्लाई इसके लिए जिम्मेदार है। लिथियम के खदानों को कंट्रोल करने से उन्हें अगले 200 सालों के लिए काफी बड़ा एडवांटेज मिल सकता है, इसीलिए चाइना दुनिया भर में लिथियम प्रोजेक्ट्स कैप्चर कर रहा है। बोलिविया में $2.3 बिलियन, अर्जेंटीना में $770 मिलियन चाइना ने इन्वेस्ट किया है। वैसे ही चिले और मेक्सिको में भी चाइना के लिथियम एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। जहां दूसरे देश तालिबान से बिजनेस नहीं करना चाहते, चाइना बिजनेस डील लेकर रेडी है। चाइना अफगानिस्तान के साथ $10 बिलियन की बिजनेस डील साइन करने जा रहा है, इस प्रॉमिस के साथ कि इस डील के बाद अफगानिस्तान में जॉब्स बढ़ेंगे, तरक्की होगी, पैसा आएगा। चाइना यहां लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है, $1 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स के लिए बस $10 बिलियन दे रहा है। अगर वो एक्चुअली $1 ट्रिलियन वैल्यू का लिथियम निकाल पाया तो उसे 100 गुना फायदा होगा। दैट इज ह्यूज। आज की घड़ी में भी तालिबान गोल्ड, जेमस्टोन्स, एमरल्ड, रूबीज माइन करके $200 से $300 मिलियन कमाता है, लेकिन अफगानिस्तान के माइनिंग सेक्टर को पूरी तरह से कमर्शलाइज करने के लिए एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आज अफगानिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो है, लेकिन उन्हें सही तरह से यूटिलाइज करने के लिए कैपिटल और इक्विपमेंट की कमी है। ये चीजें चाइना प्रोवाइड कर सकता है। अमेरिका ने मदद करने से इनकार करने की वजह से एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है जो चाइना फिल कर सकता है। चैप्टर 4, कंक्लूजन। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा कि अफगानी एक रूपी से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन कंपैरिजन सिर्फ रूपी से नहीं है। फैक्ट ये है कि 2023 के तीसरे क्वार्टर में अफगानी दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर डॉलर्स की बारिश होती है, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, प्लेन से हार्ड कैश उनके 19 NGOs तक पहुँचता है जो अफगानिस्तान में रिलीफ का काम करते हैं। ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कैश अफगानिस्तान जाता है, और इसी वजह से अफगानी स्ट्रांग बनता है, क्योंकि ये पैसा आम लोगों के नहीं तालिबान के काम आता है। लॉजिक सिंपल है,
डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को हम मार्केट फोर्सेस कहते हैं। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम तो प्राइसेस बढ़ेंगे, और अगर सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम तो प्राइसेस गिरेंगे। जब तालिबान पावर में आया तो अमेरिका ने उनके सारे फॉरेक्स रिजर्व्स फ्रीज कर दिए, यानी उनके सारे डॉलर्स उनसे छीन लिए। उन्हें लगा कि अगर तालिबान को डॉलर्स मिलेंगे नहीं तो वो किसी से ट्रेड नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली हम उनसे नेगोशिएट कर पाएंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उन्हें एड आता गया। अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें डॉलर्स भेजते गए। इनमें वही फॉरेन डोनेशन करने वाले देश भी शामिल है। हिपोक्रेसी ये है कि अमेरिका भी अफगानिस्तान को एड की तौर पर डॉलर्स भेजता रहता है। ये सारा सप्लाई डॉलर्स में होता है, लेकिन वहाँ के लोग डॉलर्स में कुछ खरीद नहीं सकते। उन्हें अल्टीमेटली ये सारे डॉलर्स तालिबान को देकर अफगानी लेने पड़ता है। तालिबान अफगानिस्तान में लोगों के हाथ ये डॉलर्स लगने नहीं देता। सारे ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ अफगानी में ही होते हैं। जिन देशों की खुद की करेंसी स्टेबल नहीं, वो किसी दूसरे स्टेबल करेंसी में रोजमर्रा के काम करता है। ये बात शायद आपके और मेरे लिए थोड़ी अजीब होगी, क्योंकि इंडिया में रुपीस को छोड़कर और कोई करेंसी नहीं चलती। लेकिन पिछले साल जब हम इजिप्ट में थे तो वहाँ के सारे टैक्सी ड्राइवर्स डॉलर्स में पैसे लिया करते थे। अफगानिस्तान में कुछ समय पहले ऐसा ही होता था, लेकिन तालिबान ने उस पर रोक लगा दी। तो हुआ ये कि अफगानिस्तान में डॉलर्स की डिमांड घटी। जिन लोगों के पास डॉलर्स थे उन्होंने वो बेचकर अफगानी ले लिए, यानी अफगानी की प्राइस बढ़ी। ये तालिबान का मास्टर स्ट्रोक है, जिसमें तालिबान का तो फायदा है लेकिन एक आम अफगानी इंसान का नुकसान। तो ये डेवलपमेंट का कोई इंडिकेटर नहीं। स्ट्रॉन्गर अफगानी करेंसी का ये मतलब नहीं कि एक आम अफगानी इंसान एक आम इंडियन इंसान से ज्यादा खुशहाल है। मतलब बस ये है कि अफगानिस्तान इज अ रिच कंट्री ऑफ पुअर पीपल विथ बेस्ट मिलिटेंसी एंड वर्स्ट लक, जो उन्हें दुनिया के सबसे बड़े अंडरडॉग का नाम प्रदान करता है, क्रिकेट के साथ साथ इकोनॉमी में भी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट्स में भारत ही जीतेगा स्पैम कर दीजिए फॉर गुड लक, क्योंकि हमें क्रिकेट के बहाने दुनिया के बारे में सीखना है, उनके मिस्टेक्स को समझना है और भारत को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनाना है। और यही इम्पोर्टेंट बात, आप तक पहुँचाने से मुझे फर्क पड़ता है।